नमस्ते। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको कौन सी मीडियम के स्कूल में एडमिशन लेना है, पर्टिकुलरली इंडिया में? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। अब तो शायद बहुत बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर ये क्वेश्चन राइज हो रहा है, या तो फिर हो चुका है ऑलरेडी, नेटिव लैंग्वेज या तो फिर फॉरेन लैंग्वेज, ये जो डिबेट है हमेशा रहती है। मगर मेरे हिसाब से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो लैंग्वेज नहीं है, कम्युनिकेशन है। बच्चों को हमें लैंग्वेज नहीं सिखानी है, कम्युनिकेशन सिखाना है। लैंग्वेज तो एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का। तो यहां पर आज हम जो बात करने वाले हैं, वो कम्युनिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, और कम्युनिकेशन के अलग अलग जो फेजेस होते हैं बच्चों के लिए, वो मैंने यहां पर डिस्क्राइब किए हैं, और उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों के लिए जो कम्युनिकेशन का सबसे पहला जो लेसन है, सबसे पहला जो स्टेप है, वो है लिसनिंग। हम जो बोलते हैं ना, वो सुनते हैं। सबसे जो बहुत छोटे बच्चे, कुछ दिनों के बच्चे जो होते हैं ना, या तो कुछ महीने, कुछ कुछ हफ्तों के जो बच्चे होते हैं, वो भी ना हमें सुनता है, और शायद धीरे धीरे करके वो समझने भी लगता है। तो ये लिसनिंग, उसके बाद दूसरा जो फेज आता है वो है अंडरस्टैंडिंग। और तकरीबन 5 से 7 8 सालों तक हम जो बोलते हैं, हमारे जो जो उनका जो बच्चों का जो सराउंडिंग है, जो पेरेंट्स जो है, या तो फिर फैमिली मेंबर्स है, टीचर्स है, जो भी उनके जो फ्रेंड्स है, वो जो बोल रहे हैं ना, उसी से वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज सीखते हैं। और सिर्फ लैंग्वेज और कम्युनिकेशन नहीं, बहुत बहुत सारी चीजें वो वहीं से वो सीखते हैं, वो जो भी लोग जो भी बोलते हैं ना उससे। इसीलिए हम बोलते हैं स्टोरी टेलिंग इज अ मोस्ट इफेक्टिव वे टू टीच एनी किड। कोई भी जो बच्चा है ना, उसके लिए सबसे इफेक्टिव जो चीज है कम्युनिकेशन सिखाने की, या तो फिर कोई भी चीज सिखाने की, वो है स्टोरी टेलिंग। बच्चों को आप अलग अलग कहानियां बता दे रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में आप बता सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने जब हविषा को रामायण सुनानी शुरू की, एक बहुत ही अच्छी बुक हम जो कन्याकुमारी से लाए थे, बहुत ही अच्छी पिक्टोरियल बुक थी, तो जो उसकी जो पूरी स्टोरी है ना, वो एक उसके लिए ना एक वो हैबिट बन गई थी कि रात को सोने से पहले वो पूरी बुक वो ट्रैवल्स करनी ही करनी है। तो मुझे उसको बतानी होती, मैं उसको गुजराती में पूरी रामायण बताता शुरू से लेकर अंत तक। थोड़े दिन हो गए, फिर उसको ना एकदम वो रट गया था सारी चीजें, वो अपने आप फिर वो बोलती। जब मैंने ऐसा किया, वो मैं जब पेज घुमाता ना, तो वो बोलती अच्छा यहाँ पर ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। एक बार मैंने फिर ये ट्राई की, एक दिन मैंने उसको बोला कि आज ना मैं तुम्हें इंग्लिश में रामायण बताऊंगा, ठीक है? तो फिर मैंने शुरू से लेके फिर से वही सारी चीज, मगर सेम एक्सप्रेशन जो है ना, जब हम बात करते थे राम राम के बारे में, या तो फिर रावण के बारे में, या तो फिर हनुमान के बारे में, जो एक्सप्रेशन मैं उसको बता था, जो गुजराती में जो जिस तरह से मैं उसको बता था ना, वही सारी चीजें मैंने उसको इंग्लिश में बताई। और यकीन मानिए, पहले ही दिन वो सारी चीजें समझ रही थी, सारी चीजें रिस्पॉन्ड कर रही थी। जैसे मैंने उसको बोला कि राम है, जैसे मेरे वो एक्सप्रेशन था ना कि राम को 3 और भी भाई थे, तो वो जो मेरा एक्सप्रेशन था उससे वो समझ गई। और मैंने जब बोला कि देयर नेम्स वेयर, तो वो बोली भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। ऐसे ऐसे करके पूरी रामायण उसने इंग्लिश में भी समझ ली, और बहुत सारी चीजें के वो आंसर भी दिए। तो जब हम बोलते हैं, वही चीज वो सुनते हैं, और वही चीज वो समझते हैं, और वही चीज सीखते हैं। तो स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे, मतलब जो पहला जो स्टेप है वो है लिसनिंग। आप उनसे क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। तो थोड़े हफ्तों के बाद, जब बच्चों जो सबसे छोटा जो बच्चा है होता है ना, थोड़े हफ्तों के बाद, थोड़े महीनों के बाद, वो बहुत सारी चीजें हम जो बोलते हैं वो समझने लगते हैं, और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड भी करता है। मगर उसके लिए भी एक कंडीशन है कि ना, वो रिस्पॉन्स, वो जो कम्युनिकेशन है ना, वो बॉडी लैंग्वेज से आता है, सिर्फ वर्ड्स से नहीं आता, उसकी एक बॉडी लैंग्वेज है। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं आओ 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 यहाँ पर, अगर आप ऐसे ही बैठे रहो और ऐसे बोलो आओ आओ आओ, वो नहीं समझेंगे, ठीक है ना? तो हमारा जो एक्सप्रेशन है उससे वो धीरे धीरे करके वो समझ लेते हैं, और रिस्पॉन्ड भी करते हैं, और वो हमारे पास चार वो घुटनों से चल के वो आ भी जाते हैं हमारे पास। तो वो जो है कम्युनिकेशन है, मतलब हम जो बोल रहे हैं, हम जो उसको बता रहे हैं, वो समझने भी लगते हैं और उसका रिस्पॉन्स भी देते हैं। और उसके बाद जो चौथा जो स्टेप है वो है स्पीकिंग, मतलब बोलना। उसके बाद हम जो बोलते हैं उसमें से कुछ कुछ चीजें वो बोलने भी लगते, डिपेंडिंग ऑन यू नो, एवरी किड हैज देयर ओन टाइम फ्रेम। कई जो बच्चे होते हैं 9-10 महीने से भी कुछ कुछ बोलना शुरू कर दे, कोई बच्चा होता है वो 1 साल प्लस हो जाता है, बट उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, हर एक का अपना वो फेस होता है। तो स्पीकिंग से एक पूरी नई जो साइकिल जो शुरू होती है, वो आगे ले जाती है कम्युनिकेशन को ही, वो है स्टोरी टेलिंग। मतलब जब बच्चा धीरे बोलने लगता है,
पहले छोटे छोटे जो शब्द है बा मा दा ऐसा करके वो बोलने लगते हैं, फिर दो या तीन अक्षर के जो शब्द है दादा पानी खाना पीना ऐसा कुछ करके वो बोलने लगता है बच्चा, और उसके बाद वो जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ती रहती है, फिर वो अपने आप वो जैसे हमें कभी कभी वो वर्बल डायरिया लगता है, पर उनके लिए वो उसकी लर्निंग प्रोसेस है, वो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है बच्चा। तो वो उनको करने दीजिए। एक फेज जब आएगा जब हम जो कहानी बता रहे हैं ना वो कहानी शायद वो भी बोलने लगेंगे, कई बार हम जब बुलवाएंगे तो बोलेंगे, कई बार वो अपने हिसाब से अपने खेल रहे ना जब अकेले तब वो स्टोरी बोलेंगे। तो बच्चों की पूरी कम्युनिकेशन या पूरी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें स्टोरी टेलिंग बहुत इफेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टोरीज वो खुद बोलने लगते हैं, फिर बताने भी लगते हैं, किसी और बच्चे को भी वो स्टोरी बताएंगे। वहां से नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग। अभी उसका मतलब क्या है, कभी आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे ना आप उसको बोलो ना कि कोई स्टोरी बताओ तो वो अपने आप अपने हिसाब से कोई भी स्टोरी बताएंगे। जैसे वो यहाँ पर रूम में बैठे और फिर ऐसे ही आपको उसको बोलेंगे ना कि मुझे एक स्टोरी बताओ ना, तो वो लोग बताएंगे कि एक फोन है, उस वो फोन ना शेर आया और फोन को ले गया और फिर उस फोन को उसने बाघ को दे दिया और बाघ ने फिर हाथी को दिया, ऐसे करके वो कुछ भी बोलने लगेंगे। मतलब अपने जो सराउंडिंग है ना वो उसमें से वो इंस्पिरेशन लेते रहेंगे और जो भी उसको वर्ड मिलता है ना उसको कनेक्ट करके अपने हिसाब से कोई भी मनगढ़ंत स्टोरी हो बना के वो सुनने लगे। दैट इज क्रिएटिव स्टोरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, इसको इग्नोर नहीं करना है इसको। हाँ उस पर हंस सकते हैं मगर ये अगर वो जब बच्चा करने लगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ये उसका जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो बहुत ठीक से जा रही है। उसका मतलब ये है वो अपने हिसाब से सोच रहा है, अब जो हमने रटवाया ना जो उसने सुना जो उसने देखा वही सिर्फ नहीं वो बोल रहा है, अपने हिसाब से वो क्रिएटिव बन रहा है। ये उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। उसके बाद जो फेज आता है वो है कम्युनिकेटिंग स्टोरी। अभी इसका भी एक अलग मतलब है, कम्युनिकेटिंग मतलब अभी सिर्फ बोलना नहीं है वो भी ये जब अगर आप ये कर रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे वो करने लगेंगे। एक बहुत बड़ा शेर था, ये जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है ना वो बॉडी लैंग्वेज वो भी सीखेंगे और अपने हिसाब से फिर वो सारी चीजें दूसरों को कम्युनिकेट करने लगेंगे। मतलब सिर्फ अभी स्टोरी टेलिंग नहीं है, ये स्टोरी कम्युनिकेटिंग है। तो ये जो फेज है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज, और यहाँ ये शायद हो सकता है अप्रोक्सीमेटली हर एक बच्चे का अलग अलग फेज होता है देखिए, मगर शायद कभी कभी कोई 3.5 साल या तो फिर 4 या तो फिर 5, 6, 7 अप्रोक्सीमेटली, मगर दिस इज अ काइंड ऑफ माइलस्टोन। This is a milestone, communicating the stories. उस milestone से फिर आगे अगर जाए तो speaking में ही दूसरा phase आता है, या तो फिर communication से आगे जाए तो वो होता है public speaking. Public speaking जो है उसमें भी वही चीज है, मतलब वो कुछ भी अभी अभी बोल रहे हैं बच्चे, मगर जब आप उसको खड़े कर रहे हैं ना कोई 4-5 अलग अलग बच्चों के सामने या तो फिर दूसरे भी मेहमान आए या तो फिर प्री स्कूल में जहां पर भी वो चाहते हैं वहां पर खड़े होकर कुछ भी बोलना या तो फिर गाना वो है पब्लिक स्पीकिंग। अभी उसके एक्सप्रेशन क्या है सही है गलत है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर वो कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पीकिंग। उसके बाद आता है क्रिएटिव स्पीचेस, जिसमें उसको कुछ ऐसा ऐसी कोई चीज नहीं वो बता रहे जो उसको रटवाया है, मगर अपने हिसाब से कुछ वो बोल रहे हैं, जो जो देख रहे हैं ना उसको देख के वो बोल रहे हैं। जैसे आप उसको कोई गार्डन में ले जाइए, कोई बहुत बड़ा वहां पर ट्री है और उसको बोलिए वो ट्री में क्या है मुझे जरा बताओ, तो फिर वो अपने हिसाब से वो क्रिएटिवली बोलेंगे कि वो एक बहुत बड़ा ट्री है और उसके जो पत्ते हैं ऐसे कुछ शेप है और उसके ऊपर ये पंछी है और उसको नीचे वो एक झूला लगा हुआ है, ये सारी चीजें वो क्रिएटिवली अपने हिसाब से बोलेंगे। तो ये हुआ था क्रिएटिव स्पीचेस। और उसके बाद का जो फेज है वो है कन्विंसिंग, मतलब अब कोई सामने वाला अगर कोई बच्चा है या तो फिर बड़ा है उसको अपनी बात कन्विंस करवानी है वर्बली कम्युनिकेट करके, सिर्फ शैतानी करके या तो सिर्फ जिद करके नहीं, मगर वो ना अपने हिसाब से कुछ तर्क लड़ाएंगे। जैसे आप उसको बोलेंगे कि एक काम करो आज संडे है, आज संडे को तुम आइसक्रीम खा लो, अगले संडे को मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तो अपने वहां पर वो कुछ अपना तर्क देंगे क्योंकि उनको दोनों चाहिए आज, ठीक है। जैसे वो बोल सकते हैं कि आप लास्ट टाइम आपने नहीं दिया था तो इस बार दे दीजिए, कुछ भी हो गलत भी हो सकता है, हंसने लायक ही होगा हर बार या तो बहुत सारी बार, मगर वो कन्विंस करने लगेंगे। ये अगेन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कन्विंसिंग।
इसको प्रमोट कीजिए, इसको बूस्ट कीजिए। उसके बाद आता है सेलिंग, कन्विंसिंग का ही नेक्स्ट फेज है सेलिंग, जहां पर वो थोड़ा और एम्फेसाइज करते हैं अपनी बात कन्विंस करने के लिए। हम सभी जानते हैं दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप करियर में प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाते हैं, एक आपकी सेलिंग स्किल और दूसरी आपकी पीपल स्किल, दूसरे लोगों के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, बात करते हैं, वो दोनों। तो ये सेलिंग मतलब यहाँ पर कुछ बेचना नहीं है। हाँ, आप बहुत सारे ऐसे खेल भी है जैसे हम करवा रहे थे अपने जो शावक में जो बच्चे आते हैं उनके साथ, और इवन हविष्या को भी हमने ऐसे करवाया, जैसे वो उनको बोलते हैं अरे जाओ ऐसे ही शॉप बनाते हैं रूम में डमी, और बोलते कोई वो कॉर्नर में जाके जरा वो ना एक आलू लेके आओ ना, तो फिर वो जाएंगे वहां पर से फिर से वापस आएंगे और बोलेंगे ये लीजिए, हम बोलेंगे कि कितने के दिए, तो फिर वो बोलेंगे कि हमने ये 50 रुपए के दिए, तो फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं 50 रुपए के हमें नहीं चाहिए, हमें तो 30 रुपए में चाहिए आपको देना है, तो फिर वो बोलेंगे अच्छा देना है या तो फिर नहीं देना है या तो फिर कुछ भी बोलेंगे। मगर ये जो सेलिंग जो स्किल है कन्विंसिंग का ये नेक्स्ट फेज है, और उसका जो नेक्स्ट फेज है वो है डिबेटिंग, जहां पर वो आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। और ये अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, जब ये करने लगे ना तब हम इरिटेट होते हैं, राइट हम इरिटेट होते हैं, अरे यार ये तो हर बात में आर्ग्यू करने लगी है, आर्ग्यू करने लगा है, मगर वो उनका एक लर्निंग फेज है। अगर वो नहीं डेवलप होगा तो आगे जाके उनके लाइफ में वो बहुत ही स्ट्रगल करेंगे, बहुत सफर करेंगे। ठीक है, जो बहुत दो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन के बारे में जो मैंने जो बोला ना, एक कम्युनिकेटिंग द स्टोरीज और दूसरा कन्विंसिंग, यहां पर दो कम्युनिकेशन के जो दो अलग पहलू है वो स्टार्ट हो सकते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, यहां से अगर एक बार ये ठीक से होने लगे तो उसके बाद रीडिंग, और यहां पर जब कन्वे ये ठीक से होने लगे तो राइटिंग, ये हम करवा सकते हैं। बाकी जब तक ये अच्छी तरह से बच्चे नहीं सीखे, हमारा एक ना वो एक एज वाला जो फैक्टर है ना कि बस अभी 2 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, प्ले ग्रुप में रख दो, वहां पर शुरू हो जाता है पहले ही दिन से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, वट एवर, कोई भी लैंग्वेज हो, गुजराती हो, हिंदी हो, या तो इंग्लिश हो, या तो फिर तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज हो, मगर ये रिदमिक वो पूरा शुरू हो जाता है एकदम रोबोटिक जिसे हम बोलते हैं। इससे क्या होता है, ये जो सारे फेजेस है उस पर हम कोई ध्यान ही नहीं देते, राइट right? और तब जाके जो वो आगे जाके वो बच्चा जो बड़ा होता है मार्केटिंग में एमबीए कर लेता है, मगर उसको जब किसी के सामने बिठा हो ना कि भैया चलो ये 5 रुपए उसकी इसकी जेब से निकाल के दो, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने ये चीजों पे ध्यान नहीं दिया जब हम छोटे थे बच्चे तब। तो उसकी वजह से आपको ये जो रीडिंग और राइटिंग उसको छोड़ दीजिए इनिशियली। मेरे हिसाब से ये 6-7 साल के बाद या तो फिर 6ठे साल से उसके आजू बाजू ये हो जाएगा, अगर ठीक से आप मेहनत कर रहे हैं और बच्चा भी ग्रो कर रहा है, तो ये दोनों फेज अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 के आजू बाजू बच्चों के जो लेवल है उसके हिसाब से वो आ जाएंगे। उसके बाद आप शुरू कीजिए रीडिंग और राइटिंग, मतलब 6-7 साल ठीक है, अगर थोड़ा और डिले हो जाए 2-4 महीना इधर उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले रीडिंग करवाना है, रीडिंग अगर ठीक से करने होगी उसके बाद राइटिंग, उसके बारे में हम अलग वीडियोस में बात करेंगे। कम्युनिकेशन ये जो अलग अलग फेजेस उसके बारे में आगे कुछ और वीडियोस आएंगे जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अभी जो है इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम ये फेज जो है फेजेस को इग्नोर नहीं करना है, उसको ठीक से ना ऑब्जर्व करना है कि बच्चे ये फेजेस में निकल रहे हैं और ठीक से निकल रहे हैं, उसको अच्छी तरह से किसी के सामने स्टोरी बोलना आता है, उसके वो अपने हिसाब से कुछ भी क्रिएटिव स्टोरी बोल सकता है या नहीं बोल सकता है। अगर वो अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को ठीक से कन्विंस कर सकता है लॉजिकली, क्रिएटिवली कुछ बोल सकता है, दो लोगों के सामने जाके बोल सकता है, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर फोकस कीजिए, इसके ऊपर एम्फेसिस कीजिए। और जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन था ना, हमारा बर्निंग जो क्वेश्चन होता है घर में भी, कौन सी लैंग्वेज सिखाए, तो आप जो अपने घर में जो भी लैंग्वेज बोलते हो वो सिखाए, क्योंकि ये उसमें वो सीख जाएंगे। और बच्चे जो है अगर एक बार ठीक से ये सीख लिए फेजेस में निकल गए, तो बाकी सारी लैंग्वेजेस सीखना भी उनके लिए बहुत ही इजी है। इवन अप टू यू नो 7 या 8 साल के जो बच्चे हैं वो मल्टीपल लैंग्वेज ही बहुत इजीली सीख सकते हैं, बिलीव मी बहुत इजीली। मगर वो अगर ना अच्छी वो मैनर में हम जाए तो रटवाने बैठा दे, या तो फिर वो एक इंग्लिश सीखनी है कि कोई कुछ भी हो, ऐसे अगर करके तो नहीं सीखेंगे, लाइफ टाइम नहीं सीखेंगे।
हम देखते बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं फिर भी उसकी अंग्रेजी बहुत कमजोर होती है। उसका रीजन यही है कि हमने फोकस जो किया वो लैंग्वेज पे किया, कभी कम्युनिकेशन पे किया ही नहीं। तो इस फेजेस में से आप अगर आप प्री स्कूल टीचर है, होम स्कूलिंग करवाते हैं अपने बच्चों को, तो फिर ये फेजेस के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और अपनी सारी जो एक्टिविटीज है उसको इस हिसाब से अलाइन कीजिए। ठीक है, आपकी जो फीडबैक है ये प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू।